नहीं मैं काफ़ी मैंने सुनी, अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बॉम्बे का ट्रैफिक आपको पता है कैसा होता है। नीचे अब्बास भाई और मस्तान भाई मिल गए थे, बहुत अजीज़ हैं मेरे और बड़ी पुरानी जान पहचान है मेरी उनसे। तो उन्होंने बताया कि जो है आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन आप दोबारा जाएँ ऊपर और जा कर के ट्रेलर देखें। एक्शन थ्रिलर है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो मेरे बड़े अजीज़ हैं, सौरभ। सौरभ जो है मोस्ट प्रोबेबली मतलब हमारी जो अगली फिल्म है वो डायरेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा रहा तो बड़ा मज़ा आएगा। तो उनकी जो एक पकड़ है मुझे लगता है थ्रिलर में बहुत अच्छी पकड़ है और शायद इसीलिए उन्होंने जो है दो थ्रिलर के बादशाह जो हैं अब्बास मस्तान और श्री राम राघवन जी को यहाँ पे इनवाइट किया था एज अ चीफ गेस्ट और साथ में मुझे भी बुला लिया उन्होंने कि संतोष भाई आप आएँगे तो थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। सो आई थिंक इट्स अ लवली थिंग एंड बढ़िया है। विश हिम ऑल द बेस्ट, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। दुआ करेंगे कि ये फिल्म बहुत बड़ी सक्सेसफुल हो इंशाल्लाह और अच्छा बिजनेस करे बॉक्स ऑफिस में और लोगों का दिल भी जीते, खाली बॉक्स ऑफिस को ही ना जीते। दो लड़कियां हैं काफी डेयरिंग करके जो सीन है, काफी फिल्माएं हैं इसमें, स्टंट हैं काफी, उनके बारे में। लड़कियों ने स्टंट किए हैं इसमें? हाँ मैंने सुना था, मुझे किसी ने बताया। इस फिल्म के जो एडिटर हैं जिन्होंने ट्रेलर काटा है पार्थ भट्ट मेरे बड़े अजीज़ हैं, बड़े ख़ास दोस्त हैं मेरे और बहुत काम किया हमने साथ में। तो उन्होंने पहले ही बताया था कि इस फिल्म में जो दो लड़कियाँ उन्होंने स्टंट बहुत अच्छा किया हुआ है। हेलो हाउ आर यू डूइंग? सो ये अच्छी बात है। हाय हाउ आर यू? दिस संतोष शुक्ला। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, स्टंट की बात करें तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी प्रियंका चोपड़ा ने जो है वो एक मार्क सेट कर दिया है और उसके बाद जो है संदीपा धर आ रही हैं 7 Hours to Go लेकर के, जिसको डायरेक्ट किया है सौरभ ने और बहुत ही जानदार और बहुत ही एक होता ना एक फोर्स है इस फिल्म में। इसका ट्रेलर मैंने कुछ दिनों पहले शायद छोटा सा टीज़र मैंने देखा था एंड जब मैंने टीज़र देखा तो मुझे लगा कि शायद ये हॉलीवुड की फिल्म है, फिर किसी ने पता नहीं ये बॉलीवुड की फिल्म है और बहुत ही इसमें नई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, नई तकनीकें यूज़ की गई है और दुआ है, दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ये फिल्म बहुत अच्छी जाए। जी आप बोलिए। थैंक यू। एनर्जी कहाँ से मिली, इतना जंप करना, ये सब चीज़ें हैं, इसके लिए क्या तैयारी की थी आपने? ये सारी एनर्जी हमारे डायरेक्टर की है क्योंकि हमारे डायरेक्टर बहुत एनर्जेटिक हैं तो वो पूरे क्रू को बहुत एनर्जेटिक रखते हैं। तो इट्स ऑल द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर और उनका विजन था, उनकी मेहनत थी और हमने तो बस अपना काम करने की कोशिश की है बस। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, यही वजह है कि मैंने अपनी अगली फिल्म जो है वो सौरभ को दे दी आँख बंद करके एंड सौरभ डायरेक्ट करेंगे अगली फिल्म और बड़ा मज़ा आएगा। जैसे इन्होंने तारीफ़ की है वैसे ही सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं और बहुत तारीफ़ें सुन के जो है वो अब मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए और स्टार्ट करना चाहिए। सो जी स्टंट मारने में काफी मजा आता है इन्होंने कहा है और हाँ। बाकी क्या है आजकल फिल्मों में हीरोइन हीरो छोड़ के हीरोइन स्टंट मार रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? दैट्स रियली समथिंग यू नो, बहुत डिफरेंट है क्योंकि जहाँ हीरोइन आजकल जो लड़कियाँ आ रही हैं, नई लड़कियाँ आ रही हैं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नई लड़कियाँ आ रही हैं वो कोशिश करती हैं कि वो कुछ रोमांटिक फिल्में करें और कुछ ऐसा हो जिसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखें। तो ये एक बहुत अलग किस्म का अटेम्प्ट है और जो इन्होंने इसमें जो है एक्सेप्ट किया एज अ चैलेंज एंड एक्टर वही है जो चैलेंज एक्सेप्ट करता है तो अच्छा होगा। और दुआएं हैं हम सब की, हिंदुस्तान की, जैसे मैंने पहले बोला कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस को तो जीते ही लेकिन लोगों को, ये दिलों को अगर जीत लेगी तो इनकी मेहनत सफल हो जाएगी। कोई ऐसा वाक्य दर्शकों को बताएंगे सीन के दौरान? सब बहुत सारे हैं ऐसे, कोई ऐसा सीन को लेकर कोई स्टंट का सीन है, आप ऑटो रिक्शा जंप करके आते हैं ऊपर जी? अच्छा अच्छा, तो ऑफ कोर्स उसमें बहुत बार गिरे हैं हम, बहुत चोटें आई हैं तो वो तो है ही। तो आई थिंक जब आप साइकिल सीख रहे होते हो जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक आप सीखते नहीं हो, तो आई फील वैसे ही आप जब एक्शन कर रहे होते हो तो जब तक आप गिरते नहीं हो, चोटें नहीं आती तब तक आपने एक्शन नहीं किया है। तो वही हमारे जो हमारे एक्शन डायरेक्टर है जस भाई वो यही कहते हैं, जब तक आपको चोट नहीं आई तब तक आपने एक्शन नहीं किया। क्या बात है, क्या बात है, तालियां तालियां, क्या बात है, लवली यार। आने वाले प्रोजेक्ट क्या क्या है आपके? जी मैं एक फिल्म कर रही हूँ उसके बारे में बात नहीं कर सकती, बट एक इंटरनेशनल म्यूजिकल शो कर रही हूँ जो एक ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्शन है जिसमें मैं लीड प्ले कर रही हूँ, वो हम कर रहे हैं। एक ब्रॉडवे म्यूजिकल है वेस्ट साइड स्टोरी और अभी हमने स्पेन पोर्चुगल और ऑस्ट्रेलिया में उसको शोकेस किया है। वेरी गुड, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। राइट सर, अगर आपसे बात करें जी, अभी क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर? जैसे कि इन्होंने बोला एक फिल्म कर रहा हूँ, बहुत अच्छी फिल्म है, उसके बारे में मैं भी बात नहीं कर सकता हूँ और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि करनी चाहिए उसके बारे में बात, लेकिन होपफुली उसको डायरेक्ट करेंगे सौरभ, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ खुले लफ्ज़ों में क्योंकि बहुत इंप्रेस हो गया हूँ मैं उनके काम से और बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ मैं और मेरे प्रोड्यूसर और पूरी टीम। सो इंशाल्लाह जब फिल्म स्टार्ट होगी तो बहुत मज़ा आएगा। बात सलमान की करें
ये टॉपिक तो आता ही है हर बार, मेरे ख्याल से बिना इस टॉपिक के आए हमारा कोई इंटरव्यू पूरा होता नहीं है। शुक्ला का सलमान का क्या रिश्ता है? शुक्ला का सलमान का दिल का रिश्ता है, और दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। सो ये बात है कि सलमान भाई जो है वो हमारे दिल में बसते हैं, और ऐसा नहीं है कि बिग बॉस में मुलाकात हुई या हमने जय हो में काम किया या हमारी एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग बन गई है, वो तो ऊपर वाले का शुक्र ही है, महादेव का आशीर्वाद है। लेकिन बचपन से, सिंस माई चाइल्डहुड, आई यूज टू वॉच हिम, आगे की सेकंड रो जो है वो होती थी फर्स्ट रो के बाद वाली रो, उसमें रेजगाड़ियाँ लेकर के बैठता था संतोष शुक्ला, और साजन में जो है वो पैसे उछालते थे हम। उनकी जो फ्लॉप फिल्में हैं वो भी हमारे लिए सुपर हिट होती थी, वो जैसे जागृति, निश्चय, सूर्यवंशी, समझ रहे ना आप, वो सब फिल्में जो हैं वो भी मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बट ये जो आजकल ऐसा हो गया ना कि आप लोगों को लगता है कि सलमान जो है वो मतलब मैं प्रभावित हूँ, ऑब्वियसली आई एम इन्फ्लुएंस्ड विद सलमान भाई, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आई कॉपी सलमान खान, आई डोंट कॉपी सलमान खान। आपका स्टाइल, बात करने का, चलना फिरना, सब चीज़ें, यहाँ तक कि हाँ आशिक मिजाज है। नहीं नहीं, वो आशिक मिजाज जो है वो तो है ही है मेरा, खैर इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि सब लोग होते हैं थोड़े थोड़े आशिक मिजाज, लेकिन छुपाते हैं, तो मैं छुपाता नहीं हूँ, मैं जो दिल में है वो खुली किताब की तरह हूँ, कोई नकाब लेके नहीं टहलता हूँ। मुझे किसी से प्यार हो जाता है तो मैं बोल देता हूँ। मेरी राशि जो है वो कैंसेरियन है, 2 जुलाई की पैदाइश है, तो जो कैंसेरियंस होते हैं वो थोड़े आशिक मिजाज होते ही हैं। सो जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि संतोष शुक्ला को प्यार ऐसे होता है जैसे लोगों को सर्दी जुकाम होता है। आपने कहा कि मैं मूवी देखता था जी, हाँ हाँ हाँ, रग रग में सलमान भाई छाए हुए थे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। शाहरुख खान सर जो है वो उनको हमेशा ये बोला जाता है कि आप दिलीप कुमार की नकल करते हैं, आप दिलीप कुमार की तरह हेयर स्टाइल रखते हैं, आप बात करते हैं, और आपका जो लहजा है वो काफ़ी कुछ मिलता है यूसुफ साहब से, तो वो कभी भी नाराज़ नहीं हुए, क्योंकि आप समझें आप किस से मिला रहे हैं आप, है ना। अब आप मुझे अगर किसी ऐसे से मिला देते तो मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, यार ऐसा दिखता हूँ क्या मैं यार, या मेरे अंदर वैसी कुछ आते हैं। नहीं यार, इफ़ यू आर कंपेयरिंग विद मी सलमान खान, देन आई थिंक आई शुड टेक इट एज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, बट संतोष शुक्ला का अपना एक अलग स्टाइल है बाबा। जय हो का कितना एक्सपोजर मिला? जय हो का बहुत एक्सपोजर मिला, और आज मुझे लगता है कि आप लोग जो हमारा इंटरव्यू लेते हैं उसका क्रेडिट भी कहीं ना कहीं जय हो जाता है। फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी मैक्सिमम प्रोड्यूसर डायरेक्टर से सब ने जो है वो मुझे मैसेजेस किए, मेल्स आए, कॉल्स हुए कि संतोष आपने बहुत अच्छा काम किया और इंडस्ट्री को एक नया कलाकार मिला है। सो अब दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें कि आगे इसी तरह जो है जय हो के मुकाबले की फिल्में करूँ, उससे भी बेहतर रोल करूँ फिल्मों में, और जहाँ बहुत ज़्यादा फुटेज हो, जहाँ मुझे अपना टैलेंट दिखाने का बहुत भरपूर मौका। स्ट्रगल की लाइन मुझे लगता है, स्ट्रगल तो जो है जैसे बच्चन साहब कहते हैं, स्ट्रगल तो अभी उनका भी चल ही रहा है, वो यही कहते हैं हर रोज सुबह उठता हूँ। और पहला प्रोजेक्ट आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम टेलीविजन एक्चुअली, और धीरज कुमार जो क्रिएटिव वाई लिमिटेड है जिनका, वो एक माइथोलॉजिकल शो बना रहे थे, तो भगवान विष्णु के ऊपर था, दूरदर्शन के लिए था, और उनको लगा कि मैं विष्णु में बहुत अच्छा लगूंगा, कृष्ण और राम, मैंने तीनों रोल्स में प्ले किए, एंड आई थिंक दैट वाज फेनोमिनल। और उससे पहले जब मैं बहुत छोटा था तो रामलीला में राम बनता था लखनऊ में, और मैं यूपी लखनऊ का जो हूँ ब्रांड हूँ, वहाँ की पैदाइश हूँ, और वो रामलीला से मुझे ऐसा लगता है कि 12-13 साल की उम्र में जब मैंने 2 साल राम का रोल किया, तो कहीं ना कहीं वहाँ से एक जो है ना वो कीड़े घुस गए एक्टिंग के, और फिर वो निकले नहीं वो आज तक, और डिसाइड किया थोड़े से बड़े हुए तो डिसाइड किया कि बॉलीवुड जाएंगे। आप जब थोड़े से जवान होते हैं तो आप लड़कियाँ पटाते हैं, तो लखनऊ में हम भी वही कर रहे थे। कुछ टाइम के बाद उन लड़कियों ने बोलना शुरू कर दिया कि हीरो बनता है, यहाँ टहलता है, मोटरसाइकिल पर लेता है, जैकेट ड्रेबे लगा के बॉम्बे जाओ, कुछ करके दिखाओ, तो कहीं ना कहीं वो लग गए। नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है सलमान भाई।